मुसलमानों का हुआ थी। कुछ लोग कहते हैं उतना मुलायम थे ये मुसलमान नेता के चलने थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो साक्षी महाराज जो साक्षी महाराज ने बाबरी मस्जिद पे चढ़ के पहली कैदी मारी थी, उस साक्षी महाराज को मुलायम सिंह ने कहा सभा फेंकने का तोहफा मुसलमानों को दिया है। यह तोहफा दिया है समाजवादी पार्टी ने। अभी की बात है, सन 2009 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, वो बाबरी मस्जिद का कातिल कल्याण सिंह को मुलायम सिंह अपनी गोद में बैठाने का काम किया है। मेरे भाइयों, अपने साथ लेके चलने का काम किया है। और आप कहते हैं कि मुलायम सिंह मुसलमानों का वकील है, हमारा नेता कौन नहीं है? अरे नौजवान भाइयों, तुमको एक साल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ तलवारों के पाए में जवानी पड़ती है और जो जवानी चलती है उस वो जमाना चलता है। अपने नेता साधु तीन वर्षों के साथ आप मुस्तैद हो जाइए, सिर्फ नौजवान मुस्तैद हो जाए तो इंसान का 2017 के विधानसभा चुनाव में बगैर साधु तीन वर्षों के कोई सरकार नहीं बन सकती है, कोई सरकार नहीं बना सकता है। हमारी परसेंटेज देख लीजिए, हमारी वोट देख लीजिए, उसके बाद हमें गुमराह किया जाता है। आइए बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने हमें क्या दिया है? बहुजन समाज पार्टी को इकतदार में जाने वाला कौन है? मुस्लिम नौजवान मुस्लिम हमारे नौजवान साथी बैठे है, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को इकतदार में लाने का काम किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने किया, मायावती जी ने हमें बदले में क्या दिया है? कहते हैं जिसको मिटाना है उसके इतिहास को मिटा दीजिए। बहुजन समाज पार्टी के इकतदार में आई तो हमारे